I'm Riya Khanna and welcome to my English classes. आज के लेसन में आप सीखने जा रहे हैं एक ऐसा इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब जिससे आप तीन तरह के एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स को इंग्लिश में कन्वे कर सकते हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को इंग्लिश में बताना चाहते हैं, अपनी मजबूरी को बताना चाहते हैं या आप अपनी जरूरतों को इंग्लिश में बताना चाहते हैं तो ये तीनों थीम्स एक ही मॉडल वर्ब से एक्सप्रेस किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट सिचुएशन से। अगर आप वर्तमान काल में अगर किसी को बताना चाहते हैं अपनी मजबूरी या अपनी जिम्मेदारी या अपनी जरूरतों के बारे में तो आप यूज करेंगे हैव टू, हैज टू। हैव टू आप यूज करेंगे आई, वी, यू, दे के साथ और हैज टू यूज करेंगे ही, शी या नेम के साथ। तो अगर आप बताना चाहते हैं कि मुझे ये करना है या करना पड़ता है, यहां पर हैज टू और हैव टू यूज होंगे। तो पहली एग्जाम्पल में मैंने एक सिचुएशन ली है, एक पर्सन है जो कि मुंबई में रहते हैं और आपको पता है मुंबई में रहने वाले लोगों को कितनी लाइफ में स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो पहला सेंटेंस ये है, He has to stay in a guest house. उसको गेस्ट हाउस में रहना पड़ता है। He has to work for his livelihood. उसको अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ता है। He has to do night shifts. उसको नाइट में भी काम करना पड़ता है, उसको रात में भी काम करना पड़ता है। अब बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस has to और have to के जब हम बनाते हैं तो हम यूज करते हैं don't have to, does not have to, don't have to, does not have to। नहीं करना है या नहीं करना पड़ता है। डोंट हैव टू हम यूज करेंगे आई, वी, यू, दे के साथ और डज नॉट हैव टू हम यूज करेंगे ही, शी या नेम के साथ। आई डोंट हैव टू टेक अ लीव टुडे, मुझे आज छुट्टी नहीं लेनी है। आई डोंट हैव टू लिव इन मुंबई, देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक, मुझे मुंबई में नहीं रहना है, यहाँ बहुत ट्रैफिक है। आई डोंट हैव टू अटेंड द मैरिज फंक्शन, आई एम नॉट इन अ मूड, मुझे मैरिज फंक्शन अटेंड नहीं करना है, मेरा मूड नहीं है। इंट्रोगेटिव में आप यूज करेंगे डू और डज। डू आप यूज करेंगे आई, वी, यू, दे के साथ और डज आप यूज करेंगे ही, शी और नेम के साथ। डू यू हैव टू टॉलरेट, क्या तुम्हें टॉलरेट करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। डज शी हैव टू स्ट्रगल, क्या उसे बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ, पास्ट भूतकाल। अगर आपको पास्ट में अपनी मजबूरियों, अपनी जरूरतों या जिम्मेदारियों के बारे में बताना है तो आप यूज करेंगे हैड टू, हैड टू। क्या मुझे करना पड़ा और क्या मुझे करना पड़ता था, क्या करना पड़ा और क्या करना पड़ता था, ये हैड टू से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें एग्जाम्पल मैंने ली है एक स्कूल गोइंग चाइल्ड की। एक चाइल्ड की, एक स्कूल गोइंग चाइल्ड की, उसको बचपन में क्या क्या करना पड़ता था, ये हम सीखेंगे हैड टू के साथ। तो हमारा पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस में, आई हैड टू हैव मिल्क विच आई डिडंट लाइक, मुझे दूध पीना पड़ता था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। आई हैड टू हैव, अब यहां पर मैंने यूज किया है हैड टू हैव। हैड टू तो आपको लगाना है पास्ट के लिए, ये आपको क्लियर है, मॉडल वर्ब है। और टू के साथ मैंने पीने की इंग्लिश लगाई है और पीने की इंग्लिश भी हैव होती है और इसीलिए आपको यहां पर यूज करना है आई हैड टू हैव। My Activa's tire got deflated and I had to drag the Activa up to the school. मेरी Activa का टायर पंचर हो गया और मुझे स्कूल तक Activa घसीट के लेके जाना पड़ा। I had to tell a lie to my teacher because I did not complete the homework. मुझे अपनी टीचर को झूठ बोलना पड़ा क्योंकि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था। स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस से। जब आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे क्या नहीं करना पड़ा या मुझे क्या नहीं करना पड़ता था पास्ट में, तो आप यूज करेंगे डिड नॉट हैव टू, डिड नॉट हैव टू। इसको आप डिडंट भी बोल सकते हैं, डिडंट हैव टू, डिडंट हैव टू। आई हैड टू एल्डर सिस्टर्स सो आई डिड नॉट हैव टू डू डोमेस्टिक चोर्स इन चाइल्डहुड, मेरी दो बड़ी बहनें थी इसीलिए मुझे बचपन में घर का काम नहीं करना पड़ा। आई वॉज ब्रेनी सो आई डिड नॉट हैव टू स्टडी हार्ड, मेरा दिमाग बहुत तेज था तो मुझे पढ़ाई में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आई हैड शॉर्ट हेयर सो आई डिड नॉट हैव टू प्लैट, मेरे बाल बहुत छोटे थे और मुझे बचपन में चोटियां नहीं करनी पड़ी। आई डिडंट हैव टू प्लैट। स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। इंट्रोगेटिव यानी कि क्या वाले सेंटेंस। अगर आपको ये कहना है कि क्या तुम्हें ऐसा करना पड़ा या करना पड़ता था, तो आप यूज करेंगे डिड प्लस हैव टू, डिड प्लस हैव टू। जैसे सेंटेंस है डिड यू हैव टू फेस डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी,
क्या तुम्हें समाज में भेदभाव सहना पड़ा? Did you have to face the discrimination in the society? बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ और उसके बाद मैं दूंगी आपको आपकी असाइनमेंट। फ्यूचर टेंस में अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि क्या आपको करना होगा या क्या आपको करना पड़ेगा, यहां पर आप यूज करेंगे विल प्लस हैव टू। विल प्लस हैव टू स्टार्ट करेंगे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस से, पॉजिटिव सेंटेंसेस से। एग्जाम्पल के लिए सिचुएशन ये है कि एक पर्सन है जो कि 28 साल के हो गए हैं और हम इनको शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो सेंटेंस हमारा इस तरह से हो सकता है, यू विल हैव टू लिसन टू योर डैड, तुम्हें अपने डैड को सुनना पड़ेगा। यू विल हैव टू मैरी, यू आर 28 नाउ, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, तुम 28 के हो गए हो। यू हैव टू सेटल, अदरवाइज इट विल बी टू लेट, तुम्हें सेटल होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव में हम यूज करेंगे विल नॉट हैव टू, या आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं won't have to, बोलने में बहुत अच्छा लगता है won't have to, मतलब है नहीं करना पड़ेगा। You won't have to live alone if you marry, अगर तुम शादी कर लेते हो तो तुम्हें अकेले नहीं रहना पड़ेगा। You won't have to live alone if you marry. Dad won't have to worry about you, dad को तुम्हारे बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। You won't have to cook yourself, तुम्हें खुद खाना नहीं बनाना पड़ेगा, कोई सपोर्ट के लिए आ जाएगा। You won't have to cook yourself. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्या वाले, इसमें हम यूज करेंगे विल प्लस हैव टू, क्या करना पड़ेगा, विल प्लस हैव टू क्या वाले सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव। विल यू हैव टू स्पेंड इन लैक्स ऑन मैरिज, क्या तुम्हें शादी पर लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। विल यू हैव टू स्पेंड इन लैक्स ऑन मैरिज। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप तक मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। ये रही आपकी असाइनमेंट। असाइनमेंट ये है कि आपको 7 सेंटेंसेस ऐसे बनाने हैं जिनमें आप एक्सप्रेस कर सकें कि क्या आपको करना पड़ता है, करना पड़ता था या करना पड़ेगा। ये सारे सेंटेंसेस आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे भेजने हैं, मैं सारे सेंटेंसेस को इवैल्यूएट करूंगी और आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगी। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।